嗯。嗯。<clears throat> mm. जी बेटा हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के ठीक हैं सर ओके okay, तो बेटा आज टॉपिक शुरू करेंगे अपना यहाँ पर मैथ्स में नया टॉपिक मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में क्यूए में हमारे पास तीन सेगमेंट हैं मैथ्स स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग तो मैथ्स वाले सेगमेंट में ही टुडे विल बी स्टार्टिंग विद वी विल बी स्टार्टिंग विद डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन टॉपिक जो पूरा है हमारे पास दैट इज डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन जिसको हम बेटा दो पार्ट्स में कवर करेंगे द फर्स्ट पार्ट वुड बी डिफ्रेंसिएशन पहला पार्ट रहेगा हमारे पास यहां पर डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड पार्ट रहेगा बेटा हमारे यहां पर इंटीग्रेशन आई होप यहां तक की बात ठीक है चलिए बेटा तो फटाफट -फड़ से पहले बेस तैयार करेंगे समझते हैं डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या देखो देखें बेटा तो ये वाला सेगमेंट विल बी स्टार्टिंग विद इसके बाद हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे दोनों टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं सुने की अगर बात करें लेट से हमें एक इक्वेशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव आसान सी एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव ये बताइए अगर यहां पर x की वैल्यू वन है अगर हम यहां पर x की वैल्यू को वन पुट कर दें तो बताएं y कितना हो जाएगा बेटा y हो जाएगा सिक्स कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन का y इज इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिए लंबी क्लास जाएगी इसकी डिफरेंसिएशन की कई सारी क्लास रहेंगी हमारी बिल्कुल बेस से शुरुआत कर रहे हैं आपने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे x इक्वल टू वन तो y की वैल्यू सिक्स होगी अगर अगर x की वैल्यू में थ्री कर दूं अगर x की वैल्यू थ्री कर दूं तो बेटा y कितना हो जाएगा y हो जाएगा एट थ्री प्लस फाइव यानी y की वैल्यू हो जाएगी एट अब इसे क्या कहेंगे बेटा यानी कि अगर मैंने अगर मैंने x की वैल्यू को चेंज कर दिया प्लस टू से तो देख रहे हो बेटा y की वैल्यू भी प्लस टू से चेंज हो गई अगर मैंने x की वैल्यू को टू यूनिट से चेंज कर दिया क्या डिनोट करेंगे इसे दिनोस दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा x इक्वल टू टू तो बेटा डेल्टा y कितना होगा वुड बी टू डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई तो अगर एक्स की वैल्यू को टू से बढ़ाया तो वाई की वैल्यू भी टू से बढ़ जाएगी वाई की वैल्यू भी टू से बढ़ जाएगी बेटा वाई की वैल्यू भी यहां पर टू यूनिट से बढ़ जाएगी y की वैल्यू भी टू यूनिट से बढ़ जाएगी नौ अगर मैं कहूं आपसे कि बेटा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स बताइए तो मेरे केस में कितना हो गया ये ये हो जाएगा टू अपॉइंट टू यानी वन जरा पढ़ के बताइए क्या है बेटा ये ये है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स कि भाई वाई किस रेट से चेंज होगा अगर हम एक्स को चेंज कर दें तो, तो वन है यानी जितना जब जब जितना जितना एक्स चेंज होगा वैसे वैसे ही उतना उतना ही रेट से वाई भी चेंज होता जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स दिस इज कॉल्ड डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होप यहां तक की बात ठीक है तो मैंने बताया आपको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब क्या मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स यानी वाई की वैल्यू में कितना चेंज आएगा अगर एक्स की वैल्यू को चेंज कर दें तो जैसे और देखिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर उसने बोल दिया मान लेते हैं उसने बोल दिया y is equal to y is equal to 2x minus 5 y is equal to 2x minus 5 बताएं अगर x की वैल्यू 4 है तो y कितना हो जाएगा 8 minus 5 3 एंड अगर x की वैल्यू 5 कर दें तो y कितना हो जाएगा y हो जाएगा 10 minus 5 यानी 5 बेटा देख रहे हैं आप तो जरा बताना यहां से रेट ऑफ सॉरी डेल्टा एक्स कितना हो गया वन और डेल्टा वाई कितना हो गया टू यानी कि रेट ऑफ ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कितना आ जाता है टू यानी जब यानी जब जब एक्स की वैल्यू चेंज करोगे वाई की वैल्यू दुगने से चेंज होगी अगर x की वैल्यू वन यूनिट से बढ़ रही है तो y की वैल्यू दो यूनिट डबल से बढ़ेगी बट आई होप दिख भी रहा होगा यहां पर आपको यहां पर दिख भी रहा होगा ये वैल्यू अगर वन से बढ़ी तो ये वैल्यू बेटा ये यह वैल्यू यहां पर टू से डबल से बढ़ रही है तो मैंने अभी आपको सिर्फ बताया ये वाली टर्म डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स आई होप यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी बेटा ठीक है जल्दी बोलो ठीक है सर अब एक बात और समझिए फिर दो चीजें मिक्स करूंगा मैंने आपसे बोला x इक्वल टू टू इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है सर x की वैल्यू टू के बराबर है x की वैल्यू टू के बराबर है या मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा लेट्स से कि x टेंस टू टू क्या पढ़ेंगे इसे x टेंस टू टू ये क्या था x इज इक्वल टू टू x इज इक्वल टू टू और यहां क्या है बेटा x टेंस टू टू x इज इक्वल टू टू या x tends to two. I hope यहां तक बात समझ में आ गई होगी क्या मतलब है इसका इसका मतलब तो ये हुआ कि x जो है वो टू के बराबर है और इसका मतलब क्या है इसका मतलब होता है बेटा x टेंस टू टू का मतलब है x टू के बराबर नहीं है टू के बहुत नजदीक है मे बी इसके दो मतलब हो सकते हैं इस बात के दो मतलब हो सकते हैं या तो एक्स टू से बहुत थोड़ा सा छोटा है या एक्स टू के बहुत थोड़ा सा अधिक है यानी टू नहीं है टू के बहुत नजदीक है कहीं

एक्स जीरो के बहुत नजदीक है शायद वैल्यू पॉइंट जीरो 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 वन होगी या या जीरो से बहुत थोड़ी सी कम होगी लेकिन जीरो नहीं है जीरो नहीं है। एक्स इज वेरी क्लोज टू वेरी क्लोज टू जीरो बट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो आई होप ठीक है तो अब अगर मैं बोलू आपसे मैं आपसे बोलू बेटा अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या मतलब है इसका बताना बेटा मतलब क्या था रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स और मैं यहां पर लगा दू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो अब इस पूरे का मतलब क्या निकला अब इस पूरे का मतलब क्या निकला इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स व्हेन चेंज ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो यानी चेंज ऑफ एक्स जो है ना एक्स को जो चेंज किया वो लगभग ना के बराबर लगभग जीरो के बराबर अगर चेंज किया तो वाई की वैल्यू में कितना चेंज आएगा दिस इज कॉल्ड लाइक दिस एंड इसको इस शॉर्ट में आज के बाद लिखेंगे डी वाई एक्स इसी को लिखेंगे आज के बाद यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स नोट कर लीजिए इसको बेटा Derivative of Y with respect to X. Derivative of Y with respect to X. Derivative of Y with respect to X. <coughs> डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई यानी वाई में कितना बदलाव आएगा अगर हम एक्स को बदल दें और एक्स को कितना बदलना है लगभग न के बराबर बदलना है लगभग न के बराबर बदलना है दिस इज कॉल्ड डी वाई बाय डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स I hope, समझ में आ गई होगी बात तो बेटा आज के बाद में यही पूछूंगा आपसे मैं पूछूंगा आपसे आप कि भाई y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है तो बताओ डी बाई डी एक्स कितना होगा dy बाई डी एक्स कितना होगा मैं पूछूंगा आपसे कि भाई y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री है बताओ डी वाई बाय डी एक्स कितना होगा यानी यानी अगर हम x को बहुत मामूली सा लगभग जीरो के बराबर बदल दें तो y में कितना बदलाव आएगा दी वाई बाई डी एक्स आई ठीक है बात तो इस सब को यही है बेटा मेरा पूरा टॉपिक पूरे टॉपिक में मुझे यही करना है फंक्शन दिए होंगे एंड वी नीड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फंक्शन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव तो आपको डेरिवेटिव निकालना है वाई का वाई बाई डी एक्स निकालना है वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकालना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू नीड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है सर चेक करो आगे बेटा अब इसके लिए हम यहां पर कवर करने शुरू करेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अगर मेरा क्वेश्चन इन रिजल्ट से मैच करता होगा तो सीधा यही आंसर लिख दिया करेंगे लिखना शुरू करें दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको बता रहा हूं जो कर पहले इलेवन ट्वेल्थ में कर चुके हैं ट्वेल्थ में पढ़ चुके हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि दीज रिजल्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारा का सारा चैप्टर इन रिजल्ट के ऊपर ही बेस्ड रहेगा लेट्स से पहला y इज इक्वल टू एक्स की पावर n इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर n की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल कुछ जगह छोड़ दीजिएगा पांच छह रिजल्ट करेंगे हम एग्जाम्पल लिखिए वन फाइन dy बाय डी एक्स पहला y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू फाइव बाय सेवन वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन बाय टू वाई इज ईक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर y is equal to square root of x की पावर फाइव अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखें क्या ये x की पावर n की फॉर्म में हैं या नहीं है सारे क्वेश्चंस yes. ये सारे क्वेश्चंस ही x की पावर n की फॉर्म में हैं ये सारे क्वेश्चंस x की पावर n की फॉर्म में हैं सर ये फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं बेटा लिख लेते हैं इसको दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स की पावर वन बाय थ्री इंडेसिस में सीखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स को लिख पाएंगे एक्स की पावर वन बाय थ्री इंडेसिस में सीखा इसको पावर ऊपर लाकर माइनस टू लिख पाएंगे और ये हो गया एक्स की पावर वन बाय टू की पावर फाइव यानी एक्स की पावर फाइव बाय टू क्या ये सारे के सारे पार्ट्स क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बोल रहा है आज के बाद कभी भी x की पावर n दे दे और उसका डेरिवेटिव पूछे आपसे तो बेटा सीधा लिख देना डी वाई बाय होगा पावर आउटसाइड पावर ऑफ x रिड्यूस बाय वन y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का डेरिवेटिव निकालना है तो पावर आउटसाइड पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बाय वन पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बाय वन आपको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करिए पावर बाहर ले आइए एंड पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बाय वन आओ जरा ये सारे सॉल्व करके देखते हैं उसने इन सब में डीवाई बाई डी एक्स पूछा है मुझसे जरा मदद करिए डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा पावर आउटसाइड पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बाय वन थ्री माइनस वन यानी थ्री एक्स स्क्वाज दंसर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव होगा थ्री एक्स स्क्वायर डेरीवेटिव क्या होगा बेटा थ्री एक्स स्क्वायर ठीक है करिए अगला पार्ट इस बार डेरिवेटिव क्या होगा पावर आउटसाइड पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बाय वन यानी फाइव बाय सेवन एक्स की पावर माइनस टू बाय सेवन इज द रिक्वायर्ड आंसर इज द रिक्वायर्ड आंसर पावर आउटसाइड पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बाय वन ये बताइए बेटा एक्स की पावर माइनस फोर क्या हो जाएगा बेटा पावर आउटसाइड पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बाय वन माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फाइव लो जी माइनस फोर पावर आउटसाइड पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बाय वन फोर्थ पार्ट देखिए इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं उसको फिर से डी वाई बाय डी एक्स निकालना है पावर आउटसाइड पावर रिड्यूस बाय वन यानी वन बाय टू एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू वुड बी द आंसर क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर पावर आउटसाइड इसी की प्रैक्टिस करनी है सारी बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इसी के ऊपर सब जोड़कर बाद में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनाएंगे बताइए बेटा आप डी वाई बाय एक्स पावर आउटसाइड पावर रिड्यूस बाय वन ये बताएं बेटा डी वाई बाई डी एक्स पावर आउटसाइड पावर रिड्यूस बाय वन यानी माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री एंड लास्ट यहां पर डीवाई बाई डी एक्स निकालना है पावर आउटसाइड पावर रिड्यूस बाय वन एक ही बात लगती जा रही है रूल में नोट <laughs> करो बेटा फटाफट -फड़ से सारे पार्ट्स फटाफट फड़ से नोट करिए इन सब के ऊपर बेस्ड ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बनेंगे फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे लेकिन ये बेसिक रिजल्ट सारे के सारे बहुत अच्छे से मुझे आने चाहिए इसके बिना बात नहीं बनेगी इसके बिना हम चैप्टर में आगे मूव नहीं कर पाएंगे बेटा फटाफट भड़ से सारे पार्ट्स नोट करिए ये मेजोरिटी चैप्टर हम इसी प्रकार से फिनिश कर लेंगे सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल से ही हम कवर करते चलने वाले हैं यहाँ पर बेटा चलिए और देखें यह था हमारे पास पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वो बोल रहा है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स सिंपल है बाकी सारे सीधा आंसर लिखना वन बाय एक्स बोलेगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालिए सीधा आंसर इज वन बाय एक्स बोलेगा e की पावर x है डेरिवेटिव निकालिए यानी x को बदलेंगे तो y में कितना फर्क पड़ेगा डी वाई बाय डी एक्स बताइए विल रिमेन सेम e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही रहेगा लॉग x का वन बाय एक्स हो जाएगा और देखें y इज इक्वल टू ए की पावर x dy वाई बाई डी हो जाएगा बेटा a की पावर x log a a की पावर x e की पावर x क्या रहा e की पावर x का डेरिवेटिव विल रिमेन e की पावर x लेकिन a की पावर x है कोई और कांस्टेंट की पावर x है तो वो हो जाएगा a की पावर x log a सिमिलर प्रकार से अगर y इज इक्वल टू सी या k कांस्टेंट दिया हुआ है कोई तो dy वाई बाय डी कितना होगा बताइए अगर x में कुछ बदलाव हुआ तो y में कितना बदलाव होगा सर x है ही नहीं इसमें x को कुछ भी चेंज करते रहो y में कोई चेंज नहीं आएगा तो डेरिवेटिव विल बी जीरो जीरो एक और चाहे तो लिख लें अभी डिराइव्ड रिजल्ट हैं चलो इतना ही लिखो नोट करिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट फटाफट से नोट करें इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है वुड बी वन बाय एक्स e की पावर x का निकालना है विल रिमेन सेम e की पावर x a की पावर x का निकालना है तो वो रहेगा a की पावर x log a और k का निकालना है तो वो रहेगा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो का डेरिवेटिव रहेगा बेटा जीरो आइए फाइन डी वाई बाय डी एक्स पहला पार्ट y इज इक्वल टू लॉग एक्स यही क्वेश्चन होगा एग्जाम में दूसरा पार्ट सेवन की पावर x, तीसरा पार्ट e की पावर x, चौथा पार्ट सेवन पांचवा पार्ट एक्स छठा पाठ ई लो बेटा करिए जरा प्रयास सारे पार्टे करिए जरा प्रयास ये छह पार्ट लिखे आपके सामने मैंने जरा तो फटाफट से करके दीजिए बेटा बेटा करें ट्राई क्या कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कुछ थोड़ा सा मेरे को आपके साथ डिस्कशन करना है पढ़िए बार बार बाद में दिक्कत आएगी इसलिए शुरू में एक साथ बात कर रहे हैं लॉग एक्स बेटा डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स है डेरिवेटिव ऑफ वाई निकालना है विध रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा सीधा रिजल्ट पता है मुझे वन बाय एक्स सेवन की पावर एक्स है क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स से मैच कर रहा है ना तो सेवन की पावर एक्स लॉग सेवन ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विल रिमेन सेम ई की पावर एक्स ही रहेगा सेवन बेटा सेवन का डेरिवेटिव क्या है बताओ फटाफट से लॉजिकली सोचो क्या इसमें कहीं एक्स है आप एक्स की वैल्यू वन कर दो टू कर दो टेन कर दो हंड्रेड कर दो हजार कर दो लाख कर दो वाई विल ऑलवेज रिमेन सेवन वाई इज एक्चुअली नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स तो इसका मतलब क्या हुआ जीरो कोई रेट ऑफ चेंज एक्स को कुछ भी चेंज कर लो वाई चेंज नहीं होगा और ये बताया भी है मैंने आपको ये बताया भी है यहां पर ये देखो ना कि कांस्टेंट कांस्टेंट का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव रहेगा जीरो आगे आइए क्या होगा ये तो एक्स की पावर वन जैसा ना हो गया हाँ ठीक है तो डी वाई बाय डी एक्स पावर आउटसाइड पावर ऑफ एक्स रिड्यूस बायन इंटू एक्स की पावर जीरो आंसर इज वन सीधा ध्यान रखना आज के बाद सीधा रिजल्ट यूज करेंगे अगर y equal to x है तो dy by dx सीधा 1 लिख दिया करेंगे और y is equal to e अगर है बेटा इसमें x है क्या फिर से नहीं है e इज अ कांस्टेंट नंबर तो डेरिवेटिव फिर से क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव फिर से हो जाएगा इसका 0 0 फटाफट से नोट करिए ये सारे पार्ट्स सिंपल सिंपल हैं लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जब जाकर करेंगे तो वहां मेरे लिए परेशानी खड़ी कर देंगे इसलिए बेहतर है कि शुरू में ही इनको अलग से डिटेलिंग कर लें इनकी ये थे बेटा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यहां पर फटाफट से नोट करिए बेटा Standard results. चलिए बेटा इसके बाद अगला टॉपिक जो बनता है इसी में अभी वो करेंगे हम प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ़रेंशिएशन। क्या है पर चेक करेंगे अगर मुझे दिया हुआ है लेट से बायल टू यू प्लस बी मुझे दिया हुआ है y is equal to u plus v यानी दो अलग अलग फंक्शन हैं एक u और एक v उन दोनों को ऐड करके y बन रहा है और अब आपको अगर dy by dx निकालना है तो एक काम करिए u का डेरिवेटिव अलग निकाल लीजिए v का डेरिवेटिव अलग निकाल लीजिए और बाद में उनको ऐड कर दीजिएगा नहीं समझ में आया लो बेटा समझो एग्जाम्पल नंबर टू हो गया था वाई बाई डी एक्स फाइंड डीवाई बाई डी एक्स बाई इज इक्वल टू समझो बेटा. मैंने कहा dy by डी एक्स निकाल के बताओ <laughs> अब एक्चुअली में मुझे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग से तो आता है लॉग एक्स का भी आता है लेकिन दोनों के एडिशन का नहीं आता तो प्रॉपर्टी क्या कहती है प्रॉपर्टी कहती है कि u का डेरिवेटिव अलग निकाल लो v का डेरिवेटिव अलग निकाल लो और बाद में दोनों को ऐड कर देना एंड सेम इज केस विद नेगेटिव साइन आल्सो प्लस माइनस में ये काम चल जाएगा यानी बताना बेटा dy वाई बाई डी क्या होगा

पावर थ्री बाई टू माइनस इ की पावर एक्स इज द रिक्वायर्ड आंसर प्रॉपर्टली और सिमिलरली अगर बोले के इंटू एफ एक्स कोई फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है

दोनों चीज फटाफट से नोट करिए बेटा चलो एग्जांपल नंबर था फोर देखिए जाएगा टू सेवन एक्स की पावर थ्री बेटा x की पावर 3 का डेरिवेटिव तो आता है लेकिन 7 से मल्टीप्लाई हो जाए तो डेरिवेटिव नहीं आता तो प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा प्रॉपर्टी बोलती है यहाँ पर कि आपको अगर dy dx निकालना है 7 छोड़ दीजिए dy dx ऑफ x क्यूब निकाल दीजिएगा कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ दो और जो फंक्शन है x क्यूब उसका डेरिवेटिव कितना हो गया 7 एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्टी वन एक्स स्क्वायर दूसरा लिखे फाइव लॉग एक्स करिए बड़ा फर्सो लिखिए E तो यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा इट छोड़ दीजिए दीजिए निकाल लॉग एक्स का फाइव लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है रिक्वायर्ड आंसर निकालना है माइनस फिफ्टीन एज इट इज छोड़ दीजिए डी बाय डी एक्स निकाल दीजिएगा ई e की पावर एक्स का और वो रहेगा सेम इज द रिक्वायर्ड आंसर आई होप बात समझ में आ गई तो होगी बेटा ठीक है इतनी बात जल्दी बोलो बेटा बेटा ठीक है इतनी बात चलिए तो इसके आगे यहाँ पर चर्चा हम शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ठीक यहाँ तक की चर्चा समाप्त इसके आगे चर्चा डिस्कशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस को आज आप फिर से होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा थैंक यू बाय बाय